नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिशाओं पर आधारित प्रश्न और दिशाओं के बारे में जानकारी बताने वाला हूं। तो आइए हम देखते हैं। आपको ये दिशा चक्र देखिए दिखाई दे रहा है, दिशा चक्र को ध्यान से देखिए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, अग्नि, ये आठ दिशाएं यहाँ दी गई हैं। तो आठ दिशाओं में मुख्य दो हैं, मुख्य दिशा चार होती हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये मुख्य दिशाएं हैं और उप दिशाएं चार होती हैं, अग्नि, वायव्य, नैऋत्य, ईशान। तो दिशा का ये जो है दिशा चक्र है, इसको ध्यान से देखने पे आपको आठों दिशाओं का ज्ञान होगा कि उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। दाएं हाथ की तरफ पूर्व और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम है। सिर के इस तरफ उत्तर है, दक्षिण है। उत्तर और पूर्व के मध्य में ईशान्य दिशा होती है, पूर्व और दक्षिण के मध्य में अग्नेय दिशा होती है, पश्चिम और दक्षिण के मध्य में नैऋत्य दिशा, उत्तर और पश्चिम के मध्य में वायव्य दिशा। आगे हम दिशा से संबंधित देखते हैं कि कौन कौन से। तो सूर्य जो है, सूर्य की दिशा जो है पूर्व दिशा होती है, अर्थात सूर्योदय की दिशा जो है, सूर्योदय की दिशा पूर्व होती है। पूर्व में सूर्य जो है उदित होता है और सूर्यास्त की दिशा पश्चिम होती है, सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है। ध्रुव तारा की दिशा उत्तर में होती है, अंतरिक्ष में उत्तर में, उत्तर की दिशा में ही ध्रुव तारा दिखाई देता है। क्रमिक दो मुख्य दिशाओं के अंशात्मक अंतर जो है 90 अंश का होता है। क्रमिक दो मुख्य दिशाओं में अंशात्मक अंतर 90 अंश का होता है। क्रमिक दो मुख्य उप दिशाओं में अंशात्मक अंतर 90 अंश का होता है। क्रमिक मुख्य दिशा व उप दिशा में अंशात्मक अंतर 45 अंश का होता है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी के कांटों की दिशा, वामावर्त अर्थात घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा। दक्षिणावर्त किसे कहते हैं? घड़ी के कांटों की दिशा को दक्षिणावर्त कहा जाता है और घड़ी के कांटों की विपरीत दिशा को वामावर्त कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं पाइथागोरस का प्रमेय भी इसी के अंतर्गत, हमें पाइथागोरस का प्रमेय भी ध्यान से देखते हैं कि इसका त्रिक किस तरह से होता है। पाइथागोरस का प्रमेय